हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपका खैर अंदेश भी बिल्कुल खैरियत से है। यार अभी ऑफिस हूँ और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर वन, हमने ऑफिस की ज़रा सेटिंग चेंज करनी है। मैंने आपको बताया था कि हमने थोड़ी सी एक्सटेंशन की है। एक्सटेंशन के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम ज़रा जो वर्क स्टेशन हैं उनकी रीअरेंजमेंट करेंगे। और दूसरा ये है कि मेरे ब्रांड ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और उसका रिएक्शन मैं अपनी टीम के साथ लूँगा और वो रिकॉर्ड करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा, तो साथ रहें। अच्छा यार, एक बात बताओ, जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप क्या करते हैं? जैसे जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं बुक रीडिंग करता हूँ। अगर मैंने बुक रीडिंग नहीं करनी होती तो मैं बैठकर सुकून से फ्यूचर प्लानिंग करता हूँ, आइडियाज़ पे काम करता हूँ। आप क्या करते हैं? यकीनन आपके भी कोई हॉबीज़ होंगे। सिर्फ इतना सोचिए कि अगर कोई ऐसा हॉबी है आपका जो आपसे टाइम लेता है और आपसे रिसोर्सेज भी लेता है, आपके अपने रिसोर्सेज लेता है, यानी आपके पैसे खर्च करवाता है, आपका टाइम लेता है, आपकी एनर्जी वेस्ट करवाता है, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं देता, तो यकीन करिए आपको वो हॉबी बदलने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मैं बुक रीडिंग करता हूँ तो मुझे बुक लेने के लिए पैसे चाहिए, टाइम भी चाहिए, लेकिन बदले में ये मुझे बहुत कुछ सिखा देती है। ये एक टेबल हमने इधर रखा है और दूसरे वाला टेबल उठा के अभी फ़िलहाल सेटिंग ये कर रहे हैं कि इसके सामने रखें और तीसरा टेबल इधर रखें, तो तीनों कंबाइन हो जाएंगे, थोड़ी सी जगह पे यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस होगी उसको उसी तरह जो है ना वो यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा जी, ये दो टेबल जुड़ गए हैं इस तरह, ये आइडिया नंबर वन है, और तीसरा टेबल इसके साथ जोड़ेंगे जो कि उम्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करके देखते हैं एक दफ़ा। अच्छा, फ़िलहाल तो ये दो टेबल इस तरह कंबाइन हो गए और ये वाला टेबल परफेक्टली इसके साथ अलाइन हो गया है, लेकिन अभी पूछते हैं कि ये सेटिंग कैसी है। क्यों सर जी, आप इस सेटिंग के हक में है कि नहीं है? आपने उधर बैठना है, इस वजह से गुड है। वैसे भी अच्छा लग रहा है, वो तुम बैठ। ओ भाई, मेरा क्यों मर बिजली का सिस्टम में तो रोक है, मैं नहीं ठीक हूं। वो प्राइवेट डिस्टर्ब हो गई, सारे इधर से गुजर के जाएंगे। नहीं, ये जगह रखी है ना, ये स्पेस रखी है। कोई नहीं जाएगा, हम इधर से जाएंगे, हम क्या नहीं जाएंगे। नहीं, मेरा टेबल पुरानी जगह पर सही था। नहीं, फिर तो एक टेबल की वजह से सारी सेटिंग फिर डिस्टर्ब होगी ना, सेटिंग चेंज होगी तो सबकी होगी। थकावट के बाद एक कप कहवा हो और साथ में खालस गुड़ का एक पीस हो तो यकीन करें सारी थकावट उतर जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक दोस्त के, मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त बचपन का कह लें, यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे पढ़े हैं, आज 12-13 साल हो गए, तो मेरी बड़ी अच्छी उसके साथ दोस्ती है। उसका घर बन रहा है और उसका ज़रा पूछना है कि काम शाम हो तो बताए भाई। ये माशाल्लाह उसका घर बन रहा है, अभी शुरू ही हुआ है, 5-6 माह में कम्प्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन सारी हो रही है। और वो सामने बैठा हुआ मेरा दोस्त फ़ोन पे लगा हुआ है, फ़ोन पे है, तो फ़ोन के बाद देखता हूँ फिर आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अच्छा जी, इस्लामाबाद इतना फैल चुका है ना यार, जिधर देखो जिधर चले जाओ उधर आबादी आबादी है। अब मैं यहाँ पे, मेरे घर के नज़दीक ही है लेकिन पहली बार आया हूँ और इतनी आबादी है यहाँ पर भी, और मैं हैरान रह गया हूँ कि यार कहाँ कहाँ लोग आबाद हैं और पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया कितनी बड़ी होगी और कितनी कितनी आवाम होगी, रहती होगी। अच्छा यार, सीन कुछ इस तरह है कि मैं जब रनिंग करता था तो मेरे पास एक रनिंग शूज़ थे एडमिरल के, जो आप देख रहे हैं अभी, ये मैंने कुछ 3 साल पहले लिए थे और मैंने ज़्यादा पहने नहीं थे। अभी जब मैंने रनिंग स्टार्ट की है तो शुरू में तो बड़ा इसने सपोर्ट किया, रनिंग बड़े मज़े की हो रही थी इसके साथ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टूट गया और नीचे से इसका हाफ सोल, एक शूज़ का टूट गया और दूसरे का भी एक पैच जो है वो सोल का नीचे से टूट गया जो वो ग्रिप देता था। अब मैं जब उससे रनिंग करता हूँ तो मेरा पाँव बैलेंस नहीं होता और मेरा जो एंकल है वो दर्द करना शुरू हो गया। अब मुझे शूज़ जो है वो बदलने हैं, तो इसके लिए 2-3 ऑप्शन थी। मैंने नेट पर, इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की इस पर कि कौन से रनिंग शूज़ बेस्ट हैं, क्योंकि मेरा ये अपना ओपिनियन है कि आप अगर शूज़ लेते हैं तो शूज़, स्पेशली रनिंग शूज़ या वॉक करने के लिए कोई शूज़ लेते हैं तो वो आपकी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो उस पर आपको पैसे लगाने चाहिए।
खैर मैंने जब दो तीन आर्टिकल्स को रीड किया तो एक नाइकी सॉरी एडिडास का 4D फॉरवर्ड आया नया 3D मॉडलिंग के साथ, वो मैंने देखा, वो मुझे बहुत पसंद आया। पाकिस्तान में मैंने उसकी प्राइस पता की तो वो तकरीबन 72,000 का था, जबकि इंग्लैंड से मैंने पता किया तो वो मुझे तकरीबन 35,000-40,000 तक पड़ रहा था, लेकिन वहाँ से अभी कोई दोस्त आ नहीं रहा जिससे मैं मंगवा सकूँ। फिर मैंने और ब्रांड्स के भी देखे, एसेक्स का भी मैंने एक आर्टिकल देखा। अभी मैं जा रहा हूँ, साथ ही हमारे एक मार्केट है PWD, वहाँ पे कुछ ब्रांड्स को मैं विज़िट करता हूँ और देखता हूँ अगर मुझे वहाँ पे कोई रनिंग शूज़ पसंद आता है तो मैं अपने लिए रनिंग शूज़ लूँगा और फिर जो लूँगा उसका एक्सपीरियंस करके इंशाल्लाह आपको भी बताता हूँ। शाम को मेरा रनिंग का सेशन भी था, सुबह मैंने वॉक कर ली थी 5 किलोमीटर, वो बोनस हो गया। तो अभी आज मैं रनिंग नहीं कर रहा, एक तो शूज़ मेरे टूट गए हैं, दूसरा मैंने सोचा कि यार आज मैं घर से निकल के PWD तक वॉक करके जाता हूँ, तकरीबन 7 किलोमीटर बनेगा जाते हुए और 7 किलोमीटर आते हुए बनेगा, तो 14-15 किलोमीटर ये वॉक हो जाएगी और साथ में हम शूज़ भी ले लेंगे। तो अभी जाते हैं वहाँ पे और मैं आपको सारा सीन दिखाता हूँ। अच्छा, ये अभी हम बोरजान पे आए हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें अपने मतलब के रनिंग शूज़ मिलते हैं या नहीं मिलते। इनके वैसे ओवरऑल क्वालिटी बेहतर ही होती है, लेकिन ये नहीं पता है कि इनके पास रनिंग शूज़ है या नहीं, तो अंदर जा के देखते हैं। अच्छा यार, यहाँ पे तो हमें नहीं मिले रनिंग शूज़, ये एक ऑप्शन हो सकती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी है। अच्छा, आपके पास अभी कोई भी नहीं है? हमारे पास यही है सर, बाकी दो चीज़ सर। स्केचेस, ये स्केचेस है? ये स्केचेस है। ये नहीं, ये तो बोर्ड जान होगा सर, ये स्केचर होता है। ये तो स्काई वॉक है, स्काई वॉक है, ये स्केचर है। नहीं, स्केचर्स तो डिफरेंट है ना यार, उसका तो ब्रांड है सर, वो मतलब कि एक ही शेप का होता है ना तो वो डिफरेंट हुआ ना, स्केचर्स तो नहीं हुआ सर, तो उन पे भी बहुत जान लिखा हुआ है। किस पे? हाँ, तो वो ही मैंने फौरन देख के कहा ना, लेकिन शेप से लगा कि वो स्केचर्स। अच्छा यार, ये बोरजान पे तो रनर्स थे ही नहीं, बल्कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि रनर्स क्या होते हैं। एक दफ़ा कन्फ्यूज हो गए, वो मैंने समझाया तो फिर वो कहते सर यही है, ये हमारी साथ वाली शॉप से पता कर लें। तो ये फ़िलहाल एक और शॉप खुली है एंड्योर, ये भी सर्विस की है या बाटा की है, यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें कोई रनर अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जी बस जो अच्छे हैं वो दिखाएं मुझे, वो नहीं, ये तो रनर्स नहीं है यार, ये तो सिंपल वॉक के लिए है, रनर्स नहीं है स्पेशल दौड़ने के लिए, भागने के लिए। ये ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन ये बहुत भारी है यार। कोई लाइट वेट में रनर्स हो, नहीं यार ये भी बहुत हैवी है, ये वाला जो सोल है ना ये बहुत हार्ड है इनका, ये वाला ब्लैक वाला हैवी है ये बहुत, इसके अलावा नहीं है कोई और? अच्छा यार, इनके पास भी रनर्स तो नहीं है, आम स्नीकर्स हैं जो ऐसे आप फैशन के तौर पे पहन सकते हैं, वो भी बहुत भारी है, तो रनर्स तो आपके लाइट वेट और ज़्यादा कुशन वाले होने चाहिए। तो देखते हैं कहीं और से, अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन कुछ सोर्सेज हैं उनसे ट्राई करेंगे। अच्छा यार, शूज़ तो हमें मिले नहीं, दो तीन शॉप्स पे गए हम और उनसे जब हम कहते थे कि हमें रनर्स चाहिए, वो एक दफ़ा तो परेशान हो जाते थे कि रनर्स होते क्या हैं, फिर जब हम समझाते थे कि यार भागने के लिए दौड़ने के लिए शूज़ चाहिए, तो वो शूज़ ऐसे दिखाते थे जिनमें 3-4 किलो वज़न होता था। खैर, तो जी बेटा जी, अजय मेरे पास, तो वो शूज़ तो बिल्कुल रनिंग के काबिल नहीं होते थे, तो वो नहीं ले सके हम। फिर और भी देखा, शॉप्स बंद हो चुकी थी। अब यही सोचा है इंशाल्लाह कि ऑनलाइन जो शूज़ है वो हम बाय करेंगे। एक दो सोर्सेज हैं, मेरा एसिक्स का एक मॉडल है, उस पे दिल आया हुआ है, वो इंशाल्लाह उस पे फाइनल करते हैं।
खैर लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आज हमने अपने स्टेप्स का रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तकरीबन हमने 18,000 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, तकरीबन 16 किलोमीटर और तकरीबन 800 कैलोरीज हमने बर्न की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर वापस पहुंच गया हूँ। तो आज के व्लॉग यार यहीं पे ख़त्म करते हैं, अपने खैर देश को इजाज़त दीजिए, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।